हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं रवा कटलेट। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आइए रवा कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। रवा कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कटोरी सूजी, एक बड़ी मिर्च हमने बारीक कट करके ली है, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती हमने धो के बारीक कट कर लिया है और एक चम्मच के आसपास हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा नींबू लिया है हमने, छोटा एक चम्मच हमने लिया है चिली फ्लेक्स, नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है और छोटा आधा चम्मच हमने ली है काली मिर्च पाउडर और दो मीडियम साइज के आलू हमने देखिए छील के रखे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए मैंने मोटा वाला जो साइड है ये लिया है, इससे हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब आलू को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। छलनी को हम साइड में रख देंगे ताकि जो आलू में पानी है वो सारा निकल जाए। अब हमने ली है एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच घी। अब जो हमने सूजी ली है उसको डाल के हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सूजी को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से हमने उसी कढ़ाई को साफ करके ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच घी। आप ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। घी गरम हो चुका है, अब हम एक छोटा चम्मच राई के दाने डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्च, हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज भी बारीक कट करके रखा है, ये हैंडी चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो डालें वरना स्किप कर दें। अब हम डाल देंगे 2 कटोरी पानी, वही कटोरी है जिससे हमने सूजी मेजर की थी। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कम या ज्यादा जैसा ही पसंद करते हैं डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे आलू, एक बार बॉईल होने का वेट करेंगे। जब तक पानी हमारा बॉईल नहीं होगा तब तक हम सूजी नहीं डालेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें सूजी डालेंगे ताकि गांठे ना बंधे और लगातार इसको मिक्स करते रहेंगे। जो हमने आधा नींबू लिया था उसका रस भी हमने निकाल लिया है, इसको भी हमने डाल दिया है नींबू के रस को और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी के अंदर हमारी जो सूजी है वो बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सूजी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने एक यहाँ पे चम्मच लिया है बड़े साइज का, जिसके पीछे हमने घी लगा दिया है और इस तरह से इसको फैला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने परात में इस तरह से इसको फैला दिया है। अब हम 2 मिनट इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम पीस कट कर लेंगे। आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी स्क्वायर शेप में पीसेस कट कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे इसको ट्रायंगल शेप में कर लेंगे। देखिए मैं इस तरह से इसको ट्रायंगल में कट कर रही हूं और बहुत इजी है। देखिए फ्रेंड्स, लुकिंग में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब हम इस तरह सभी पीसेस को बाहर निकाल लेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। आइए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हमने इस तरह से देखिए इसमें पीसेस डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, हमने सारे रवा कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आइए सर्व कर देते हैं। रवा कटलेट हमने सर्व कर दिया है, अब हम ऊपर से इस पे चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला डालने से बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है।
देखिए फ्रेंड्स, हमने रवा कटलेट को सर्व भी कर दिया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है लुकिंग में। तो आप बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।